हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 8 का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो क्या दिया हुआ है इसमें देखते हैं। देखिए, मैंने इस पेज पर इसके बारे में टोटली जितना भी दिया हुआ है एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप ये आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। ओके, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू दी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक तो वो पोर्शन होता है जो जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है अपने अंदर, और एक दूसरा पोर्शन होता है जो कि डिलीवर कर रहा है जर्म सेल्स को। ओके, तो दो पोर्शन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस। अब जो बोल रहा है कि फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन, जो हमने बोला कि एक जगह क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म्स का, तो वो जो पार्ट है उसे कहा जाता है टेस्टिस। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। और ये जो टेस्टिस होती हैं कहाँ पर होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। सो लिखा हुआ है यहाँ पर टेस्टिस कहाँ पर होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी पर के बाहर, एंड इसे स्क्रोटम कहा जाता है। इट रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और इसको एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ये जो स्क्रोटम है ये इसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन प्रीवियस चैप्टर। बोल रहा है कि हम जो इसका टेस्टिस का काम है इसके बारे में बात कर चुके हैं। सो देख लीजिए इसका क्या काम है, कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सबसे पहले अभी ऊपर बताया था कि टेस्टिस में जो स्क्रोटम है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर स्क्रोटम के बारे में लिख लीजिए कि ये स्क्रोटम कर रहा है ऐसा काम। ओके, एंड दूसरा, ये टेस्टिस क्या कर रहा है, हॉर्मोन का सीक्रेशन कर रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, इन एडिशन टू रेगुलेशन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बोल रहा है कि एक तो टेस्टिस का काम हो गया टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करना, एंड इन एडिशन टू रेगुलेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की मदद से, तो क्या करता है टेस्टोस्टेरोन एक और काम, कि ये चेंजेस करता है अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसी टेस्टोस्टेरोन की मदद से जो दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर मेल में चेंजेस, वो दिखाई देते हैं। ओके, आगे बोल रहा है स्पर्म। अब क्या हुआ, ये उस पोर्शन के बारे में बात हो गई जहाँ पर टेस्टीज में स्पर्म्स बन रहे थे। नाउ स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, उन स्पर्म्स को बॉडी से पास आउट कराना है बाहर। तो स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। बोला स्पर्म्स बन गए, अब उनको डिलीवर होना है बाहर, तो वो डिलीवर होते हैं किसके थ्रू, वास डिफरेंस के थ्रू, विच यूनाइट विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये वास डिफरेंस एक कनेक्ट हो जाती है एक ट्यूब से, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई आएगी। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा, यूरिन भी आएगा। यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई एक ट्यूब से कनेक्ट हो जाती है, एंड द यूरिथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से पास होती हुई एक कॉमन ट्यूब बनाती है, कौन सी, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में आकर ओपन होती है, और ये यूरिथ्रा जो है एक कॉमन पैसेज बन जाता है किसके लिए, कि वहीं से यूरिन पास आउट होगा और वहीं से स्पर्म्स पास आउट होंगे। दी अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसाइकल एट देयर सीक्रेशन, सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूड विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, एंड दिस फ्लूड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि इस वास डिफरेंस के पाथ में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ये रही एक प्रोस्टेट और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड होती हैं, जिससे कि क्या होता है, इनके सीक्रेशंस होते हैं। दोनों अपने अपने सीक्रेशन करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सीक्रेशन एंड सेमिनल वेसाइकल अपना सीक्रेशन, दोनों से अपने अपने सीक्रेशंस होंगे, एंड स्पर्म्स आएंगे। एंड नाउ इन अ फ्लूड, जो ऊपर से स्पर्म्स आ रहे हैं वो स्पर्म्स इसी के साथ आएंगे फ्लूड में, विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, जिसकी इन दोनों की मदद से क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, एंड यहाँ से उनको स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है, और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आसानी से। द स्पर्म्स आर टिनी बॉडीज दैट कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म्स छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं स्पर्म्स के, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है मेनली। ओके, जेनेटिक मटेरियल।
सो इसको याद रखिएगा कि स्पर्म्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मेटीरियल एंड अ लॉन्ग टेल, ये एक लॉन्ग टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है पूंछ जैसा, दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल। ये क्या करता है, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर फीमेल जर्म सेल्स में पहुंचने, फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचने में मदद करता है। ओके गाइस, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।